बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो कल मैंने आप लोगों को, वालेकुम सलाम नसीब, कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर M16 करने के लिए। M16 का कंप्लीट करना था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो कर लिया आप लोगों ने उसका। मैं आपको दिखा बता देती हूँ कि उसकी फुटिंग क्या है। नहीं आई इक्वल, अच्छा चलें कर लेते हैं। वो भी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी तक स्टॉक में नहीं आया, तो मैं जल्दी से उसको बना देती हूँ। M16 चले। तो हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ रहे थे क्लोजिंग, वो क्या क्या आ रहे थे? 2,60,100, 173,400, 86,700 और 90,000, राइट? तो अब हमने सिंपली क्या करना है, अभी हमने सिंपली उसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है। और उसके लिए जी आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। और उसमें हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो, W, X, Y और Z। क्योंकि सवाल के अंदर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपने जो नई फर्म बनी है अभी W, X, Y, Z, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द न्यू फर्म बनाना है। तो अब न्यू फर्म में डब्ल्यू एक्स वाई जी का भी एडिशन हो गया, राइट? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ऑन या एज एट फर्स्ट जनवरी 2014, उसी दिन की, ठीक है? आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ठीक है? इसके अंदर थाउजेंड्स में करने की जरूरत नहीं है। अब वी स्टार्ट विद वर्ड नॉन करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले आपके पास क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। आप ये करें कि आप अपने सामने वीडियो भी खोल के रखें और साथ ही क्वेश्चन भी आपके पीछे खुला होना चाहिए, ठीक है? ताकि आप उसको खुद भी देख सकें बार बार जाके। अब लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर क्या सिचुएशन है? एक दिन पहले लैंड एंड बिल्डिंग की क्या वैल्यू थी? 3 लाख रुपीज, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में 31 दिसंबर के आ रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो स्टेप नंबर 3 में, जिसमें आपने रिवैल्यूएशन सारी की थी, आपने क्या कर दिया था? लैंड एंड बिल्डिंग्स के अंदर अब एक डबल एंट्री पास कर दी थी, जिसमें आपने क्या किया था? लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर दिया था, कितने से? 36,000 से। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको सिर्फ एक लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट के अंदर आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हुआ होगा। लैंड एंड बिल्डिंग में ब्रॉड डाउन आ रहा था 3 लाख का, आपने उसमें 36,000 1 जनवरी 2014 को रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू आपने 36,000 को उसमें डेबिट कर दिया था। तो जब आप 1 जनवरी 2014 का कैरी डाउन निकालेंगे, वो कितना आएगा? 3,36,000, विच इज व्हाट? दिस इज द मार्केट वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह जब आप फर्नीचर के उसमें जाएंगे, फर्नीचर का ब्रॉड डाउन था 90,000 और उसमें आपने क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था 18,000। तो अब उसका कैरेट डाउन भी कितना आ रहा होगा?
72,000. तो करना क्या है आपको, जब आप 1 जनवरी की रीवैल्यूएशन के बाद जब आप 1 जनवरी को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनाएंगे तो उसमें जहां जहां रीवैल्यूएशन आ रही है, भले अपवर्ड भले डाउनवर्ड, उसकी भी उसमें आपको एंट्री दिखानी है या आपने वर्किंग स्टांसर दिखानी है, उसका एडजस्टमेंट एटलीस्ट आएगा। यहाँ पे आपको टी अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बताना है तो आप इस तरह से बता दें 3 लाख प्लस 36,000, ठीक है। यानी कि अब इसका जो वैल्यू है दैट इज 3 लाख 36,000। लाइकवाइज फर्नीचर वी स्टार्टेड विद व्हाट 90,000, और 90,000 में आपने क्या कर दिया था, 18,000 का आपने क्रेडिट किया था, यानी कि उसकी वैल्यू ऑफ एसेट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चाहे तो ये ना भी करें, क्यों, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में ये फिगर्स गिवन है, तो आपने वो क्वेश्चन में ही से ही फिगर्स उठा के यहाँ पे लिख दी, इट वोंट मेक अ डिफरेंस, आपको मार्क्स कटेंगे नहीं इस सिचुएशन में, ठीक है। 408,000 आपके टोटल हो गए नॉन करंट एसेट्स। फिर बारी आती है आपकी करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स में भी वही करना है, आपके पास इन्वेंट्री जो है उसकी जो रीवैल्यूड अमाउंट है क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, 96,000। तो मैं अभी भी कोई वर्किंग दिखाए बगैर मैं यहाँ पे 96,000 लिख देती हूँ। फिर आपके पास है रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल्स आपके पास कितने हो गए, 48,000 आपके पास रिसीवेबल्स की अब रिवाइज वैल्यू है, ठीक है, हमने यहाँ पे 48,000 लिख दिया। फिर आपके पास और क्या क्या चीजें हैं, आप देखें यहाँ पे आपके पास एसेट खत्म हो गए, यानी कि जो इस पॉइंट के अंदर जितनी भी रीवैल्यूड अमाउंट थी वो खत्म हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अब बाकी एक चीज बची हुई है प्री पेमेंट और कैश एप बैंक, अब आपने उसको लेना ही नहीं है। जो पॉइंट नंबर 5 या 4 जिसमें ये रिवैल्यूएशन की बात हो रही है उसमें अगर प्री पेमेंट का मेंशन नहीं हुआ हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने आपको कल बताया कि जरूरी नहीं है कि हर एसेट हर लायबिलिटी में अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो, राइट। तो अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये हुआ कि मार्केट के हिसाब से भी जो प्री पेमेंट की जो वैल्यू है दैट इज 30,000, और कैश एट बैंक में कभी वैल्यूएशन होती नहीं है, राइट, क्योंकि क्या कैश एट बैंक क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में, तो उसकी तो कोई मार्केट वैल्यू ऐसा छोटी नहीं है। तो कभी भी आपको इनफैक्ट प्री पेमेंट्स में भी आपको बहुत कम जगह पे शायद वैल्यूएशन नजर आए, वरना नॉर्मली प्री पेमेंट्स की भी कोई वैल्यूएशन एसेट नहीं होती, राइट। कैश एट बैंक की भी कोई वैल्यूएशन नहीं होती, कैश इन हैंड की भी कोई मार्केट वैल्यू अलग से नहीं होती। तो आपने करना क्या, आपने एज इट इज जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में पहले गिवन है आपने वही वाली वैल्यू लिख देनी है प्री पेमेंट्स में 30,000। बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। कैश एट बैंक आपके पास आ जाएगा, कैश एट बैंक है। अच्छा, कैश एट बैंक के अंदर आपको जरा ख्याल रखना है, मैंने आपको ये कहा था यू हैव टू बी केयरफुल, आपने एडमिशन करते हुए बैंक से रिलेटेड डबल एंट्री बहुत सी पास की हुई है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किससे किया था, आपके पास कैश एट बैंक था कितना, 15,000 रुपए। अब जरा आप इधर आ जाए, जरा निकालें, आपने जो कल डबल एंट्रीज लिखी हुई थी सारी, जो आपने कल सारी डबल एंट्रीज लिखी हुई थी उसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक डबल एंट्री आ रही होगी कैश डेबिट 1,62,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मिस्टर जी का 1,62,000, राइट। यानी के जो मिस्टर जी 1,62,000 रुपीज लेकर आए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इन स्ट्रक्चर, आपने उसको भी तो अकाउंट फॉर करना है ना, डबल एंट्रीज हम सारी एडजस्ट कर करके फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, दैट क्लियर, ये वाली बात समझ आ रही है। 75,000 कोई थी जी, हसनैन हमीदुल्ला, हम M16 डिस्कस कर रहे हैं, उसामा क्लियर है, आपने बैंक से रिलेटेड भी डबल एंट्रीज को एडजस्ट करके फिर आगे जाके चलना है, ठीक है। फिर आपके पास क्या पोजिशन है, आपने देखा रिजर्व, जी हमीदुल्ला कोई क्वेश्चन है आपका या, अच्छा ठीक है,
तो आपने ये देखा कि रिजर्व्स विड्रॉ हुए हैं, आधे रिजर्व्स विड्रॉ कर लिए थे पार्टनर्स ने, जिनकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है 89,400। हमने तो ब्रेक करके कैपिटल अकाउंट में शो किया था राइट, लेकिन टोटल अमाउंट इनकी कितनी है, क्रेडिट हुआ था बैंक 89,400 से। फिर एक और हमने किया था, हमने ट्रेड पेबल की एक सप्लायर को हमने पेमेंट कर दी थी 12,000 की, ठीक है, वो था 13,800 का। पहले हमने उसमें रिवैल्युएशन गेन बुक किया 1,800 का और उसको 12,000 पे ले आया, फिर 12,000 की हमने पेमेंट भी दिखाई थी, ट्रेड पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो अब आपने क्या करना है, सारी इन चीजों को एडजस्ट करके आपके पास अब बैलेंस एट बैंक आएगा 75,600। ये आपके पास आ रहा है 249,600, दोनों का आप टोटल करेंगे 657,600। ये आपके पास आ गया टोटल एसेट्स, ही आ गई बैलेंस शीट की पहली फुटिंग, ठीक है, ये फुटिंग। फिर आपके पास आ जाता है क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का पोर्शन। मैं पूरी हेडिंग नहीं लिख रही, आपके पास इक्विटी के पोर्शन में यहाँ पे आपने कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस लिखने हैं W, X, Y और Z के, ठीक है, जो आपने कल कैपिटल अकाउंट बनाया था आपने उसके बैलेंस कैरेट डाउन को लिख देना है 260, 100, 173, 400, 86,700 और 90,000, ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक सबका सही था। तो ये आपके पास टोटल बन जाता है 610,200। फिर आपके पास कौन सी क्या हो जाता है, आपके पास इक्विटी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें थी, प्रॉफिट जितना भी होता है, ड्रॉइंग्स हो गई, लॉस हो गया, ये सब का सब कहाँ पे अकाउंट फॉर होता है, कैपिटल अकाउंट में राइट, यानी कि आपको अलग से ड्रॉइंग्स कहीं पे शो नहीं करनी पड़ती, वो सारा का सारा काम कैपिटल और करंट अकाउंट में हो जाता है। तो बारी आ जाती है किसकी, लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में हम जरा देख लेते हैं क्या क्या था हमारे पास लाइबिलिटीज में। रिजर्व हमारे पास खत्म हो गया ना, रिजर्व तो खत्म हो गया, रिजर्व तो आपने क्या कर दिया था, क्रेडिट रिजर्व थे उनको आपने डेबिट कर दिया था, यानी कि अब रिजर्व के अकाउंट में बैलेंस तो जीरो है, रिजर्व थोड़ी आएगा, सारा के सारा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, वो भी कैपिटल अकाउंट में ले गए इसको। तब आपके पास सिर्फ लाइबिलिटीज बची हैं, ट्रेड पेबल हैं 37,200, लेकिन इसमें भी आपने डबल एंट्री पास की हुई है इससे रिलेटेड, निकाले ट्रेड पेबल 37,200 थे, लेकिन पहली आपने डबल एंट्री पास की थी रिवैल्यूएशन गेन की, जिसमें आपने ट्रेड पेबल्स को डेबिट किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया था 1,800 से, स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, ट्रेड पेबल्स को डेबिट करना, यानी कि उसकी वैल्यू को कम करना है 1,800 से। फिर स्टेप नंबर 5 पे आपने ट्रेड पेबल्स की पेमेंट दिखाई हुई थी 12,000 से, ट्रेड पेबल्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो आपने इसकी भी एडजस्टमेंट दिखानी है। तो अब आपके पास ट्रेड पेबल्स जो हैं वो बचेंगे 23,400। फिर दोबारा जाते हैं पुरानी स्टेटमेंट पे, अक्रूड एक्सपेंसेस, इसमें कोई रिवैल्यूएशन गेन या लॉस नहीं था, तो इसको भी हमने एज इट इज लिख देना है, ठीक है, अक्रूड एक्सपेंसेस 24,000, बस दैट्स इट, हो गया काम। 47,400 आपका और 657, दैट्स इट, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट, ठीक है। किस किसने किया था सच सच बताएं, अब मैं यहाँ पे आप लोग चेक तो कर नहीं सकती कि किसने कौन करके लेकर आया था होमवर्क, आई विल हैव टू रिलाई ऑन व्हाटएवर यू से, ठीक है, सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद मी एंड यू हैव टू सॉल्व, डू योर होमवर्क। होमवर्क नहीं करेंगे, देखिए हम लोग सारे क्वेश्चंस क्लास में तो कर नहीं सकते राइट, ठीक है, तो क्लास में हम सारे सवाल कर नहीं सकते, तो मैं आपको कुछ चीजें जो होमवर्क में दूंगी तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए, ठीक है, यस आई नो नसीर आपका तो मुझे पता है, यू आर ऑनेस्ट एंड आई होप एवरीबडी एल्स इज एज वेल, ठीक है।
तो ये आपके पास M16 हो गया कंप्लीट सवाल. हमने बनाना क्या था, कैपिटल अकाउंट बनाना था, और हमने क्या बनाना था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फिर मैंने आपको क्या कहा था कि आप एक दफा एटलीस्ट उससे पहले वाला जो सवाल है कौन सा था M15, इसको भी आपने एक दफा देख लेना है, अटेम्प्ट कर लेना है. जो हमने स्टेप्स जितने हो रहे हैं आपसे वो कर लें, फिर आगे हम खुद देख लेते हैं उसको. तो आज हमने M15 करना है, और एक और मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट देना है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है, M15 इज डन, जबरदस्त, चले, वेरी गुड. चले, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए जरा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं उसको. ठीक है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज एट 31 मार्च 2013 इज गिवन बिलो. और इसमें आपके पास पैक के क्वेश्चन बैंक में डन, मतलब खुद भी किया है ना, सिर्फ पीछे से देखा नहीं, आई होप. ठीक है, फिर आपके पास क्या है, आपके पास उसी तरह से पॉइंट्स गिवन है. ये आर जो है वो नया पार्टनर है जो कि 200,000 लेकर आ रहे हैं एज कैपिटल, एंड 40,000 लेकर आ रहे हैं गुडविल फॉर 1/5 शेयर. एग्जैक्टली सारा सवाल बिल्कुल M16 जैसा है विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस. तो मैंने सिर्फ क्या करूंगी, मैं सिर्फ आपको स्टेप नंबर 2 जो है यानी कि उसमें सिर्फ आपका कुछ चेंज है, डिफरेंट है. ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन रिसीवेबल्स एट द रेट ऑफ 2%. इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, यहाँ पे आपको अकाउंट्स रिसीवेबल्स नजर आ रहे हैं 1 लाख रुपीज के एक दिन पहले, ट्रेड रिसीवेबल्स. अब वो क्या कह रहे हैं कि उन ट्रेड रिसीवेबल्स से आपने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को बुक कर देना, क्रिएट करना है. ठीक है, मेक करना है 2% का अलाउंस. और आपको ये बात याद होनी चाहिए इंट्रो से कि आपके पास ये जो अलाउंस होता है, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है. इससे इसका इफेक्ट क्या होता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू अलाउंस की वजह से कम हो जाती है. ठीक है, आप कैसे करते हो उसको, ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर जो नेट अमाउंट आप दिया फिर वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में लेके जाते हो. तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स क्या हुआ, ये किस्म की आपकी डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन है. इसको आप इस तरह से लेके जाएं, ट्रीटमेंट दोनों सिनेरियो में सेम होगा. या ये क्या है, दिस इज इंक्रीज इन प्रोविजन. जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, लाइबिलिटीज और प्रोविजन के इकट्ठे मैंने जी, आवाज आ रही है, हाँ जी अब आवाज आ रही है, सब तो चले ठीक है कनेक्शन. अच्छा, तो मैं आपको ये कह रही थी कि यहाँ पे ये जो अलाउंस की बात की हुई, अलाउंस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड अ प्रोविजन, है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स. तो रिवैल्युएशन वाले स्टेप में स्टेप नंबर कौन सा था, 3 था वो. स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको डबल इंक्रीज बताई थी कि अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी या इंक्रीज इन प्रोविजन हो तो क्या करना चाहिए, राइट. तो ये बेसिकली क्या है, ये इंक्रीज इन प्रोविजन है. और ये कैसे होगा, आपके पास सवाल के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, 1 लाख रुपीज. इसमें उन्होंने परसेंटेज दी हुई है, अलाउंस की परसेंटेज दी हुई है. तो इस परसेंटेज को किससे अप्लाई करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स की फिगर पे. 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2% कितना आ रहा है, 2000. ठीक है, 2000 रुपीज. अब पहले ये अलाउंस नहीं था, पहले इस नाम का कोई भी प्रोविजन नहीं बना हुआ था, अब हमने बनाना है. यानी कि क्या सिचुएशन हो गया, इंक्रीज इन प्रोविजन हो गया. और इंक्रीज इन प्रोविजन इज व्हाट, इट्स रीवैल्यूएशन लॉस, इंक्रीज इन प्रोविजन या लायबिलिटी. तो आपने करना क्या है, डबल एंट्री पास होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000 से, और चाहे तो आप यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स को ही क्रेडिट कर दें, या आप एक नया प्रोविजन बना दें, प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 2000.
सही है। और जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो पता है ना सबको ये कैसे करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स में से आपको लेस करना होगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि 1 लाख वाली जो फिगर है या अगर कोई रीवैल्यूड अमाउंट है उसमें से आपने 2000 को लेस करना है। इसमें हाँ, इसमें रिसीवेबल्स का और कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास 98,000 की फिगर जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इज दैट क्लियर? मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रही हूँ, M15 फिर आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है जिन्होंने नहीं किया। सही है, बात क्लियर है, पूरा कराने की जरूरत तो नहीं है। फिर वो ये कह रहा है इन्वेंट्री इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%। बाय 10% का क्या मतलब है कि 10% आपने पहले फिगर निकाली और उतनी अमाउंट से, ठीक है, बाय का मतलब उतनी अमाउंट से, आपने उतनी अमाउंट से इन्वेंट्री को डिक्रीज कर देना है, राइट डाउन करना है। तो आप पहले निकालें कि इन्वेंट्री की ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, 1,20,000। ये मैं हम लोग अभी स्टेप नंबर 3 पे ही खड़े हैं, अभी स्टेप नंबर 2 में नहीं आए, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में जो रिवैल्युएशन वाला किस्सा पहले मैं वो बता रही हूँ, कोई मसला नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी स्टेप एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है सिवाय आखिरी स्टेप के, जो स्टेप नंबर 5 में हम बाकी सारी बची कुची चीजें कर रहे होते हैं। स्टेप नंबर 2, 3 और 4 ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि इन्वेंट्री इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%। अब मैं आपको बताती हूँ रिटर्न डाउन बाय में और एक और इसकी टर्मिनोलॉजी एट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर देख लेते हैं। रिटर्न डाउन टू, या सॉरी रिटर्न डाउन टू समथिंग, अभी यहां पे क्या लिखा हुआ है, बाय 10%। अच्छा, 1,20,000 का जब हम 10% निकालते हैं तो कितना आता है, 1,200, ठीक है, 1,200। अब इसका क्या मतलब है कि आपने इन्वेंट्री को 1200 से कम करना है। तो ये फिगर बेसिकली क्या बता रही है आपको, ये फिगर क्या बता रही है, 1200 से कम करना, मतलब दिस फिगर इटसेल्फ इज व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स द रीवैल्यूएशन लॉस की अमाउंट, कि इतने से आपने इन्वेंट्री को कम कर देना है, यानी कि 1,20,000 को 1,200 से जब कम करेंगे तो अब जो 108,000 ये फिगर है, अब ये न्यू एसओएफपी में जाएगी। बात क्लियर है? तो इसका क्या मतलब हुआ, जी अब क्लियर है आवाज, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमने डबल एंट्री पास करनी है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री की वैल्यू को कम किया, एसेट था एसेट की वैल्यू को कम किया, यानी कि रिवैल्यूएशन लॉस, तो आपने 1200 से लॉस की अमाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है और इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रिएट करना है, ठीक है। ये बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं, चले वो जब टू वाला किस्सा आएगा ना, तो टू वाला फिर उसी क्वेश्चन में मैं फिर आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज ना हो, बाय से मुराद ये कि आप जो परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट बेसिकली आपका रीवैल्यूएशन लॉस रिप्रेजेंट करता है। और बस फिर फ्री होल्ड प्रेमिसेस इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹1,060। अब यहां पे देखें आ गया एट, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ फ्री होल्ड प्रेमिसेस इज टू बी रीवैल्यूड बाय ₹1,060। अब वो क्या कह रहे हैं, एट, एट का क्या मतलब है, डेस्टिनेशन, कि अब आपकी जो डेस्टिनेशन है, अब आपका जो फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू है, अब वो क्या होनी चाहिए, 1060। तो अब इस काम के लिए आपको क्या करना होगा, इस काम के लिए आपको डिफरेंस खुद निकालना होगा। ये अब ये नहीं बता रहा कि आपने 1060 से फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू को कम कर दिया। बात क्लियर हो रही है? जब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास फ्री होल्ड प्रेमिसेस कितने आ रहे हैं, 9,00,000 रुपीज, राइट। और अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू को लेके कहाँ चले जाना है, लेके जाना है 1060 पर, ठीक है। से और पर में डिफरेंस है, राइट।
आपने इसकी फिगर को उठा के 1060 पर लेके जाना है। तो अब जो रिवैल्यूएशन गेन की फिगर है, क्योंकि आप ज्यादा अमाउंट पे लेके जाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1060 माइनस 900,000, ठीक है, वो अब आपको खुद निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है, 160। दिस इज द रिवैल्यूएशन गेन की फिगर। और जो 1060000 है, ये वाली फिगर कहां जाएगी, न्यू एसओएफपी में। क्लियर हो गई बात, कर लेंगे अभी आगे। अब बाकी में भी उन्होंने क्या बताया कि अब आपके पास जो डेस्टिनेशन है, प्लांट की जो डेस्टिनेशन अमाउंट है, दैट इज 1,40,000, पहले कितनी थी, 1,60,000 थी, इसमें आपके पास लॉस आ गया, ठीक है। चले ये हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर टू में। अब एक ये डिफरेंस है पिछले सवाल में, पिछले सवाल में हमने क्या किया था, पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ द गुडविल इन द बुक, और अब वो क्या कह रहे हैं, पार्टनर्स डिसाइडेड टू कीप द गुडविल इन द बुक्स, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बताया था राइट ऑफ करने के लिए आपको क्या होता है, दो डबल एंट्रीज पास करनी होती हैं। पहले क्या होती है, गुडविल रिकग्नाइज करने की, राइट, गुडविल अकाउंट आप डेबिट करते हो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम ओल्ड पीएसआर में, और फिर डबल एंट्री दूसरी हमारी पास होती है क्या, ये गुडविल अगर टू बी रिटन ऑफ, अगर हमने गुडविल को राइट ऑफ करना हो, और दूसरी डबल एंट्री हमारे पास होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कर देते हैं डेबिट न्यू पीएसआर में, और गुडविल को हम अपनी बुक से खत्म कर देते हैं, ठीक है, उसी अमाउंट को। अब डिफरेंस क्या है, अगर आपको गुडविल रिटेन रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहली डबल एंट्री पास करनी है, राइट ऑफ की एंट्री पास ही नहीं करनी। एग्जैक्टली, अगर अब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो दो पार्टनर्स पुराने थे, उन्होंने पहले डिसाइड किया कि हम गुडविल को रेस करेंगे, और जब नया पार्टनर आया कमरे में, उसने कहा कि हाँ ठीक है, जो आप लोगों ने काम किया वो ठीक किया, वो आप उसको उसी तरह से बस रहने दो। बात समझ आ रही है, लेकिन रेस ये हमेशा किस में होगा, ओल्ड पीएसआर में, ठीक है। बस इसकी राइट ऑफ की डबल एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ एक यही डबल एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है, आप सिर्फ, बात क्लियर है, हो जाएगा। अब ये M15 क्लियर हो जाएगा ना आराम से, ठीक है। तो M15 जो होमवर्क, कल इंशाल्लाह मैं इसको इसका जो सोल्यूशन है वो आपसे डिस्कस कर लूंगी। अब एक काम ही करते हैं, एक ये थोड़ा सा, नहीं जी छुट्टी नहीं, एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा तो खैर नहीं है, है थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिफिकल्ट भी है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये मेरी बात सुने गौर से, हमने अभी जो जो दो सवाल किए हैं उसमें किस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल होती थी कि मिस्टर आर आई या मिस्टर जी आई वॉज इंडक्टेड इन द फर्म एंड ही ब्रॉट कैपिटल फलाना एंड शेयर ऑफ गुडविल इतना, राइट, बस, और वो बता देते थे कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होगा। अब जरा M9 पढ़े, ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द रेशियो ऑफ 6:4:2, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम January 1, 1997 दे एडमिटेड डी इन टू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, इधर तक तो बिल्कुल सिमिलर ही है। अब आगे क्या कह रहे हैं, डी इज टू हैव 1/6 शेयर, ठीक है, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हर चीज के ऊपर डी का कितना हक होगा, 1/6, राइट, विच ही परचेज इंटायरली फ्रॉम ए। अब यहाँ पे डिफरेंट हो गया कुछ, ये क्या कह रहे हैं कि अब जो मिस्टर डी का 1/6 शेयर था ना, वो उसको इस तरह से मिला कि वो उसने इंटायरली पूरा का पूरा शेयर किससे खरीदा, मिस्टर ए से। हमने जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 किए हैं उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी, राइट, क्यों, उसमें हम ये कह रहे थे, अगर आपको याद हो, ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर जब हम कैलकुलेट करते थे तो हम क्या करते थे,
नहीं, न्यू पार्टनर को जैसे हमने जी वाले के केस में क्या किया था, जी को हमने 1/6 दिया और हमने क्या कहा कि जो रिमेनिंग 5/6 है उसको हम फिर पुराने पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और मैंने ये बात उस टाइम मेंशन की थी कि मिस्टर जी के आने की वजह से डब्ल्यू एक्स और वाई तीनों को क्या हुआ है, थोड़ा सा लॉस हुआ है, तीनों ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिस्टर जी को दिया है। ये बात क्लियर है जो पिछले हम लोग M16 कर रहे थे, है ना? ठीक है, तो ये बात हमने देखी कि मिस्टर जी के आने की वजह से डब्ल्यू एक्स और वाई तीनों के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कम हुए थे कंपेयर टू जी के आने से पहले। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो सफर कर रहा है यानी कि जो अपना शेयर गिव अप कर रहा है वो कौन है, वो सिर्फ मिस्टर ए है। डी ने जो अपना 1/6 शेयर खरीदा है वो पूरा का पूरा ए से खरीदा है, उसने बी और सी से उसने डील ही नहीं किया। बात क्लियर है, डिफरेंस नजर आ रहा है? ठीक है, पेइंग टू ए ₹40,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल, ए रिटेन ₹30,000 आउट ऑफ दिस एंड पुट द बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन द फर्म एज एन एडिशनल कैपिटल। अब जरा इधर आ जाए, मैं अगर आपको एक किस्म के ये लेक्चर नोट्स टाइप से दूं, ठीक है, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, न्यू पार्टनर के आने को यानी कि एडमिशन को, ठीक है, देखिए डिफरेंस बेसिकली ये नहीं है, वन ऑफ द डिफरेंस यही है कि भाई कौन गिव अप कर रहा है और कौन नहीं गिव अप कर रहा है। जो जो मेजर डिफरेंस है, जिस तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ M15 और M16 का, डिफरेंस इसमें क्या था कि जो नया पार्टनर आ रहा है ना उन दो सवालों में, वो किसी पुराने पार्टनर से, अगर आपने नोट किया यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुआ है परचेज का, ठीक है, M15 और M16 में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था कि नया पार्टनर परचेज कर रहा है अपना शेयर फ्रॉम वन और मोर ऑफ द पार्टनर, यानी कि सैक्रिफाइस तो सारे कर रहे हैं, वो तो बात समझ में आ रही है, वो तो नेचुरली सी बात है। जो चीज वहां पे मेंशन हुई हुई है वो ये हुई हुई है, M9 में उन्होंने परचेज का टर्म इस्तेमाल किया यानी कि खरीदा है किसी पार्टनर का शेयर, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो ए हो सकता है, बी और सी का भी उसमें उन्होंने ये लिखा हो, कैन ही परचेज हिज शेयर फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन नंबर M15 और M16 है उस सिनेरियो को हम ये कहते हैं कि जो नया पार्टनर है ना वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, यानी कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि जितना ऑलरेडी आपके उसमें इन्वेस्टेड था वो उससे ओवर एंड अबव कैपिटल फर्म में लेकर आ रहा है। ठीक है, उसने किसी पुराने पार्टनर से कोई शेयर खरीदा नहीं। अब इस सवाल में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ये M9 है, इस सवाल में टर्म इस्तेमाल हुआ है परचेज का। ठीक है, न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम वन और मोर पार्टनर्स। अब इस सिनेरियो के अंदर थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस आ सकता है, आ जाता है बल्कि। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है कि उसने 1/6 शेयर अपना इंटायरली परचेज किया ए से, तो इसकी पहली इम्प्लीकेशन तो हमें समझ में आ गई कि जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में फॉल आएगा, जो सैक्रिफाइस करेगा वो कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए। ये तो इसकी एक नेचुरल इम्प्लीकेशन है ही है, भले वो परचेज करता नहीं करता जो भी उसके साथ होता, क्योंकि वो कह रहा है कि वो 1/6 उसने एंटायरली ए से अपना गेन किया। आगे वो क्या कह रहा है
paying to A rupees 40,000 for the share of goodwill. अब ये जो 40,000 रुपीज है ये क्या है, गुडविल का शेयर है और ये उसने पूरा का पूरा उठा के किसको दे दिया, मिस्टर ए को। आगे क्या पढ़ते हैं, आगे क्या है? लिखा हुआ है ए रिटेन्ड रुपीज 30,000 आउट ऑफ इट एंड पुट द बैलेंस ऑफ रुपीज 10,000 इन द फर्म एज एन एडिशनल कैपिटल। ये जो पूरा इतना ये स्टेटमेंट है ना, इसको पढ़ के ये काफी हद तक क्लियर हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो जरा इसको इस तरह से देखें कि ये जो 40,000 रुपए मिस्टर डी ने मिस्टर ए को दिए हैं ना, ये दिए हैं प्राइवेटली। ठीक है, कैसे पता लगा? कि फिर आगे ये जो लिखा हुआ है ना सेकंड स्टेटमेंट में, ए ने रिटेन किया उसमें से 30,000 रुपए और बैलेंस डाल दिया 10,000 फर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 40,000 रुपए है ना, ये फर्म के थ्रू नहीं मिले ए को, है ना। अगर फर्म के थ्रू होते तो वो उसमें इस तरह से लिखा होता है कि ए विड्रू रुपीज 30,000 आउट ऑफ दिस। इसमें उन्होंने क्या टर्म इस्तेमाल किया है कि ए ने अपने पास 30,000 रखे और रिमेनिंग उन्होंने डाल दिया एडिशनल कैपिटल। अगर तो वो फर्म के थ्रू होता, अगर फर्म के थ्रू मिस्टर ए को वो पैसे मिलते तो टर्म कुछ डिफरेंट हो जाती। टर्म ये होती मिस्टर ए विड्रू रुपीज 30,000 आउट ऑफ दिस and retained rupees 10,000 in the firm as an additional capital. अब ये retained का word इस्तेमाल हुआ है, ये retained का मतलब ये है कि A ने अपने personal उसमें ambit में रहते हुए अपने personal bank account में for example ये 30,000 रुपए अपने पास रखे and put the remaining balance 10,000 as an additional capital. ठीक है, बात clear होगी सबको यहाँ तक? हाँ जी, बात clear है, सब ओके कर दें? हसनैन, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताएं कि समझ में नहीं आया। जी हमीदुल्लाह, हसनैन, जवाद, महाद, नसीर, उसामा, क्लियर है? अच्छा महाद आपने अभी ज्वाइन किया है, क्रिस्टल क्लियर हो गया? ठीक है, जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्टेड सा है ये चीज, थोड़ी सी ट्विस्टेड है। ठीक है, सिर्फ ये वाला पॉइंट थोड़ा ट्विस्टेड है, बाकी वो वाला सेक्रीफाइस करने वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, कि जो सैक्रिफाइस करेगा सिर्फ उसी के पीएसआर पे इफेक्ट पड़ेगा, उसको भी हम देखते हैं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि मिस्टर डी, मैं रिपीट कर देती हूं, बिल्कुल, मिस्टर डी पेड रुपीज 40,000 टू मिस्टर ए फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। 40,000 रिप्रेजेंट करता है क्या? सिर्फ गुडविल का शेयर। और वो क्या हो रहा है, डी जो है मिस्टर ए को पे कर रहा है। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, मिस्टर ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उसको लेने चाहिए ना पैसे। अगर सारे सैक्रिफाइस कर रहे होते अपना अपना शेयर तो सबको पैसे मिल रहे होते, है ना। लेकिन अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है। अब आगे क्या कह रहा है वो, ए रिटेन रुपीज 30,000 आउट ऑफ दिस। अब जरा सिनेरियो बनाए, ठीक है, मैं इसका दूसरा वर्ड मैं लिख देती हूँ, दूसरा सिनेरियो, ठीक है, विड्रू ये आपका केस नंबर वन हो गया और ये सिनेरियो नंबर टू हो गया, सॉरी, ए ये जो क्वेश्चन में ए रिटेन रुपीज 30,000 आउट ऑफ दिस एंड पुट द बैलेंस 30,000 आउट ऑफ दिस, यानी कि 40,000 उसको जो मिले थे पैसे उसमें से ए ने विड्रॉ किए 30,000 रुपए और रिमेनिंग जो 10,000 है उनको रहने दिया। कहाँ रहने दिया? फर्म की बुक्स में, फर्म के ही अकाउंट में। बात समझ आ रही है? ए ने
विड्रू किया 30,000 रुपए और जो बाकी बचा था 10,000 रुपए उसको रिटेन रखा, रहने दिया कहां पे, जहां पे वो पहले पैसे आए थे, कहां आए थे, कैश अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट, किसके कैश या बैंक अकाउंट में, फर्म के कैश या बैंक अकाउंट में, बात समझ आ रही है, रहने दिया, हमने रहने देने का जो टर्म है ना उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, कहां रहने दिया पहले सिनेरियो में, जहां वो पहले 40,000 रुपए आए थे इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और वो कहां पे आए थे, फर्म के बैंक कैश या बैंक अकाउंट में। अब ये क्या कह रहा है कि ए ने रिटेन किया 30,000 रुपए और फिर जो 10,000 रुपए थे उनको बाद में पुट किया फर्म के अंदर, यानी के 40,000 रुपए फर्म के बैंक अकाउंट में नहीं आए थे, कहीं और आए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर उसमें से उसने 30,000 रुपए अलग किए और 10,000 रुपए अलग से डाले बाद में फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो इस सेंटेंस को पढ़ते हुए, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ये लग रहा है कि जो 40,000 रुपए आए हैं ना वो फॉर्म के बैंक अकाउंट में या कैश के अकाउंट में नहीं आए थे, वो अलग से बाद में उसमें से 10,000 रुपए अलग से डाले गए थे फॉर्म में। दैट इज अनदर स्टोरी। हसनैन क्लियर है? ठीक है, तो अब इस सिनेरियो को देखते हुए हमें देखिए ट्रीटमेंट दोनों का जो अकाउंटिंग है ना, सिर्फ वो डबल एंट्रीज डिफरेंट होंगी, वैसे अल्टीमेटली इफेक्ट दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, वन और टू का दोनों का इफेक्ट अल्टीमेटली सेम ही होगा, आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उसकी डबल एंट्री थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, ना कैश अकाउंट में कोई फर्क पड़ेगा दोनों सिनेरियो पे की वजह से, ना ही बैंक अकाउंट में, लेकिन मैंने इसी तरीके से पढ़ा रही हूँ कि चले इस तरह से अगर सही रहता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ 40,000 रुपए मिस्टर ए को मिले हैं मिस्टर डी से प्राइवेटली, है ना, फॉर्म के थ्रू नहीं मिले, फॉर्म का कोई 40,000 के हिसाब से 40,000 के लिए फॉर्म का कैश अकाउंट बैंक अकाउंट कोई फॉर्म की डबल एंट्री कोई पास ही नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, डी और ए के दरमियान जो 40,000 की ट्रांजैक्शन हुई है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको हम इस तरह से कह लेते हैं, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होनी। आगे क्या हुआ, इसमें कोई बिजनेस इन्वॉल्व ही नहीं हुआ ना, डी और ए के दरमियान 40,000 का जो मुआयदा हुआ, 40,000 की जो ट्रांजैक्शन हुई, इसमें फॉर्म कहीं आई नहीं रही। आगे वो क्या कह रहा है, ए ने उस 40,000 में से रिटेन किया 30,000 रुपए और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो 10,000 रुपए फॉर्म में डाल दिया, वो तो आपको पता है कि अब फॉर्म इन्वॉल्व होगी, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में इसकी डबल एंट्री होगी 10,000 की। देखते हैं, डी ऑल्सो ब्रॉट ₹25,000 कैपिटल इन द फॉर्म, 40,000 रुपए उसने दे दिए ए को अलग से और 25,000 रुपए का वो कैपिटल ले आया फॉर्म के अंदर। ठीक है, यानी कि ये 25,000 रुपए ए को नहीं दिए, ए को सिर्फ क्या पे किया, सिर्फ गुडविल का शेयर उसने उठा के पे कर दिया। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, आगे, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म शुड बी रिड्यूस टू द मार्केट वैल्यू, दैट इज 18,000। रिड्यूस्ड टू का क्या मतलब है, उस वैल्यू पर हमें लेकर जाना है, 18,000 इसकी न्यू वैल्यू है, अगर रिवैल्यूएशन गेन या लॉस निकालने के लिए हमें ऐड या लेस करना पड़ेगा, राइट, फिगर्स को लेस करना पड़ेगा। एंड द प्लांट शुड बी रिड्यूस टू 29,000 और इन्होंने आपको क्या दे दिया, ओल्ड फॉर्म एबीसी का आपको इन्होंने बैलेंस शीट दे दिया। फिर आगे ये बता रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 1997, किस डेट पे नया पार्टनर आ रहा है, 1 जनवरी 1997 को आपका नया पार्टनर आया और फिर आपका पूरा साल गुजरा 1997 का और वो प्रॉफिट कमाया 1,20,000 और ड्रॉइंग हुई ये, तो ये किसी एक दिन का नहीं मांग रहा, वो क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स फॉर द ईयर 1997 एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एज ऑन January 1, 1998। पूरा साल गुजरने के बाद क्या बैलेंस शीट होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें स्टेप्स पे लेके चलते हैं उसको, महज स्टेप्स याद है आपको, जबरदस्त। स्टेप नंबर वन क्या था, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना। हमने पहले क्या करेंगे, ओल्ड पीएसआर अपने लिए लिख देंगे
कौन कौन है, ए बी और सी है, 642, ठीक है, ए बी सी और डी भी लिख दें, 6, 4 और 2, टोटल कितना बनता है 12, राइट, 6 by 12, 4 by 12 और 2 by 12 और 0, ओल्ड पीएसआर ये था, सारे फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो आंसर आपका 1 आना चाहिए, दिस इज अननेसेसरी, मैं वैसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। फिर आपके पास बारी आती है न्यू पीएसआर की। अब न्यू पीएसआर में हम ये नहीं कह सकते कि जी डी का 1/6 शेयर है, तो डी के आगे तो हमने सीधा सीधा पहले 1/6 लिख देना है। तो पहले हम क्या करते थे, हम ये कहते थे कि अच्छा इसका मतलब है जो रिमेनिंग 5/6 है उसको हम 6:4:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब ये काम हमने नहीं करना क्योंकि अब ये चीज तो अप्लाई होती नहीं है। रीजन क्या है कि मिस्टर डी ने जो अपना शेयर खरीदा है वो एंटायरली किससे खरीदा है, मिस्टर ए से। तो कौन सारा का सारा सैक्रिफाइस करेगा, मिस्टर ए सैक्रिफाइस करेगा। आपने क्या करना है, सी और डी इन दोनों के एज इट इज कॉपी कर देने हैं रेशियो, कुछ भी इसमें चेंज नहीं आएगा, ना डिनोमिनेटर ना न्यूमरेटर, एज इट इज आपने रेशियो को उठाना है 4/12 और 2/12 और न्यू पीएसआर में भी आपने उसको लिख देना है। और मिस्टर डी का जो सवाल में गिवन है वो मैंने लिख दिया 1/6। अब बारी आती है मिस्टर ए की। मिस्टर ए के उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। मिस्टर ए का पहले रेशियो कितना था, 6/12 था, और अब वो 6/12 में से 1/6 दे रहे हैं किसको, डी को। तो अब उनका रिवाइज पीएसआर कितना है जरा बताएं जल्दी से, 6/12 माइनस 1/6, टू बाय सिक्स, 1/3, ठीक है, 2/6, 1/3, सेम चीज, ठीक है, हाँ ठीक है, 2/6 या 1/3। अब जब आप इन तीनों इन चेक करने के लिए कि आपने काम ठीक किया या नहीं किया, आप 2/6, 4/12, 2/12 और 1/6 अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में फ्रैक्शन फॉर्म में रखें और इन चारों फ्रैक्शंस को ऐड करें तो आंसर आपका आना चाहिए 1। आ रहा है, आ रहा होगा, है ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 2/6 होता है, इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 1/6, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, आंसर पूरा आपका 1 ही होगा। तो सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या कर दिया, न्यू पीएसआर आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर आपकी बारी आती है अब सवाल ये आता है गुडविल के लिए, चले हम कैलकुलेट तो कर लेंगे, लेकिन गुडविल के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमें करना होता है कि क्या गुडविल को पार्टनर्स ने रिटेन रखना है, नहीं रिटेन रखना, क्या सिचुएशन है, उसके लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब जब हम सवाल देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, देखिए उन्होंने कहीं पे गुडविल के बारे में बात की है कि गुडविल इज टू बी रिटेन्ड या नॉट रिटेन्ड, है ना। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपने एंट्री नंबर 1 तो करनी है, लेकिन क्या एंट्री नंबर 2 पास करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये बात नोट कर लें कि अगर क्वेश्चन साइलेंट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो आपने राइट ऑफ करना है गुडविल को, ठीक है, बात क्लियर है। तो अब आपके पास क्वेश्चन साइलेंट है, तो सबसे पहले तो आपने गुडविल की पहले कैलकुलेशन करनी है। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपके पास एक हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत है हमारे पास या नहीं, जरा बताएं क्या हमें गुडविल कैलकुलेट और इस तरह से हमें एंट्री बनाने की जरूरत है, एंट्री नंबर 1 गुडविल डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है,
यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए आ रही है कि जो गुडविल की ट्रांजैक्शन है वो हो रहा है इंटायरली व्हाट प्राइवेटली, ठीक है। यानी कि गुडविल का कोई ये जो 40,000 ये जो अमाउंट है जो वो पे कर रहा है डी मिस्टर ए को, वो कहीं से भी बुक्स में आई नहीं रही। तो इस सिनेरियो के अंदर हम ये कैसे कर सकते हैं कि गुडविल की जो ट्रीटमेंट है उसको इंटायरली फोरगो कर दें, ठीक है। वैसे तो हमें ये पता है कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो ना होता और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए तो आपको राइट ऑफ तो करना ही करना है। लेकिन अब यहाँ पे इसलिए हमें हमारे पास एक एडिशनल चीज आ गई कि ये जो गुडविल की सारी ट्रांजैक्शन हो रही है 40,000 की, ये हो रही है टोटली प्राइवेट, तो आप इंटायरली इस गुडविल के स्टेप को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसको कुछ भी नहीं करना। इसका एक और रीजन ये है कि देखें शेयर कौन गिव अप कर रहा है अपना, ए है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर डी पैसा लेकर आएंगे वो किसको जाएगा, मिस्टर ए को जाएगा, और वो जा भी रहा है। 40,000 का पैसा जो है, जो 40,000 है वो मिस्टर ए को जा भी रहा है, जो वो शेयर अपना गिव अप कर रहे हैं उसका उनको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब वो मिल रहे हैं प्राइवेटली, तो हमें फॉर्म की बुक्स में डबल एंट्री पास करें ना करें आपका आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज आपकी हो जाएगी नलिफाई। इसमें देखिए हमने क्या किया, इस बात को याद रखें, हमने इसको बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने इस चीज को ये लिया है कि ये जो 40,000 की ट्रांजैक्शन हुई है ये हुई है बिल्कुल प्राइवेटली, फर्म का बैंक या कैश अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो हमने इसकी कोई डबल एंट्री पास ही नहीं की, नंबर वन। नंबर टू, फिर जो आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है मिस्टर ए, उसको पैसे मिलने चाहिए थे मिस्टर डी से, भले वो फर्म की बुक्स में हम उसकी डबल एंट्री फर्म की बुक्स के थ्रू वो मिलते या प्राइवेटली मिलते, मिस्टर ए को ही पैसा जाना चाहिए था, राइट, क्योंकि वही अपना शेयर गिव अप कर रहे हैं। अब बारी आती है गुडविल की। अब जब मिस्टर ए को प्राइवेटली वो पैसे मिल रहे हैं 40,000 के, अब वो प्राइवेटली मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमने गुडविल की भी कोई अकाउंटिंग फर्म की बुक्स के थ्रू नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि बस इसको इस तरह से याद रखें कि प्रीमियम फॉर गुडविल अगर मिस्टर डी प्राइवेटली मिस्टर ए को जाके दे रहे हैं, तो नंबर वन उस जो पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन डबल एंट्री है वो हमने अपनी फर्म की बुक्स में पास नहीं करनी। नंबर टू, उससे रिलेटेड जो गुडविल की हमारे पास अकाउंटिंग है वो भी फर्म की बुक्स में नहीं होगी। आपने इस चीज को याद रखना है, दिमाग में रखना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी तक मिस्टर डी नहीं आए, मिस्टर ए बी सी डिसाइड ये करते हैं कि जी हमने कल के दिन हमारा एक नया पार्टनर आएगा और उन्होंने मिस्टर ए को कहा कि हम तो अपना शेयर गिव अप नहीं करेंगे, सारा का सारा शेयर आपको ही उसको देना है, ठीक है, जितना भी उसका शेयर बनता है वो हम आपके अकाउंट में से डिडक्ट करें, मतलब आपका शेयर अब कम हो जाएगा। मिस्टर ए कहेगा ठीक है लेकिन मुझे उसके फिर पैसे भी चाहिए क्योंकि मैं अपना शेयर गिव अप कर रहा हूँ। तो मिस्टर ए और बी कहेंगे आप फिक्र ना करें, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, पैसे आपके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रहा है, इसको इस तरह से सिर्फ याद रखने के लिए आप इस तरह कह सकते हैं कि मिस्टर ए को उनके पैसे मिल गए प्राइवेटली 40,000 रुपीज, यानी कि अब वो कोई शोर नहीं मचाएंगे कि भाई मेरे 40,000 कहाँ है, मेरा इंटाइटलमेंट कहाँ है, ठीक है। तो अब जब अगर हम इसकी डबल एंट्री बुक्स में फॉर्म की बुक्स के थ्रू पास करते भी तो हम उसको क्रेडिट देते हैं, हम बेनिफिट देते हैं किसको, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए को। ये मैं इंशाल्लाह कल आपको इसका एक प्रॉपर इसकी एक एग्जांपल कराऊंगी, ठीक है, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे तो ये सिनेरियो है ना कि ये प्राइवेटली सारा काम हो गया 40,000 का, अगर ये प्राइवेटली ना होता फर्म की बुक के थ्रू अगर हमें ये डबल एंट्री पास करनी होती तो फिर हम किस तरह से करेंगे, उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। बात ये याद रखनी है अगर पेमेंट हो गई प्राइवेटली गुडविल की, कोई अकाउंटिंग भी आपने फिर बुक्स में नहीं करनी, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि गुडविल के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना। स्टेप नंबर थ्री आपका क्या था, रिवैल्यूएशन का था। अच्छा टाइम भी हो गया काफी, ठीक है, ये सारा काम हम कर रहे हैं 1 जनवरी 1997 को, ठीक है, ये जो सारे स्टेप्स हैं ये उसी दिन के हमने पास करने हैं, हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन भी हो जाएंगी।
ठीक है, आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही थी 30,000 पे, और वो कह रहा है कि आपने 30,000 को राइट डाउन करना है, कितने पे लेकर आना है, 18,000 पे, यानी 12,000 का आपका रिवैल्युएशन लॉस। फिर प्लांट शुड बी रिड्यूस्ड टू 29,000, 35,000 पे आ रहा था पहले, यानी कि 6,000 का रिवैल्युएशन लॉस। ठीक है, फिर उसके अलावा आपके पास कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्युएशन नहीं है, ऑफिस बिल्डिंग एज इट इज, इन्वेस्टमेंट और प्लांट चेंज, स्टॉक चेंज एज इट इज होगा, ट्रेड डेटर्स और कैश एट बैंक भी बिल्कुल सेम होगा। अब यहाँ पे असल में थोड़ा डिफरेंस ये है कि सिर्फ 1 जनवरी 1997 पे जो हमने पांच जो स्टेप्स पे डबल एंट्री पास करेंगे, सिर्फ वहां पे आके हमारा काम खत्म नहीं होगा। अब देखें क्या है, मैं बना देती हूँ यहाँ पे, कर लेते हैं इसको हम, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। हमने स्टेप नंबर 3 में क्या किया, रिवैल्युएशन किया। तो जब हमने रिवैल्युएशन अकाउंट बनाया तो हमें पता चला कि हमारे पास दो लॉसेस हैं, एक इन्वेस्टमेंट का लॉस है 12,000 का। मैं देखें डायरेक्टली अब डेबिट साइड पे खुद ही कह रही हूँ, मुझे डबल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ रही, राइट। और दूसरा आपका किसका था, दूसरा आपका प्लांट का था 6,000। और अब मैंने क्या करना है, इस रिवैल्युएशन लॉस को टोटल कैपिटल अकाउंट में, पुराने कैपिटल अकाउंट में ए बी और सी के दरमियान मैंने डिवाइड कर देना है 18,000 को, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, और ये मेरा 642, ठीक है, ये बात क्लियर है, इधर तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये अब आपका इधर से तरह से डिवाइड हो गया। फिर आपकी बारी आती है स्टेप नंबर 4 पे, हमारा क्या था, रिजर्व वगैरह थे, कोई रिजर्व नहीं है तो स्टेप नंबर 4 हमारा नहीं होगा। बच्चे गुडविल को, अच्छा आपने आप डिस्कनेक्ट हो गए थे जी, नसीर आपने क्लास नहीं ली अभी, उस जब मैं भी बता रही थी, लिहाजा आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। आप अगर क्लास की रिकॉर्डिंग में इस पोर्शन को अगर सुन लेना, ठीक है। इन क्रक्स इज इन समरी, इसको हमने क्यों नहीं लिया, बिल्कुल गुडविल की कोई भी हमने ट्रीटमेंट इसलिए नहीं की, क्योंकि ये जो शेयर ऑफ गुडविल पे किया है मिस्टर डी ने, हम इसको क्या कह रहे हैं, मिस्टर ए को उसने पी किया है इंटायरली प्राइवेटली, फर्म की बुक्स में 40,000 का सिरे से कोई आपका इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। तो क्योंकि ये शेयर ऑफ गुडविल जो है वो उसने प्राइवेटली पे किया है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्म की बुक्स में गुडविल की कोई अकाउंटिंग होगी ही नहीं, ठीक है, बात क्लियर है। वैसे भी आपको राइट ऑफ ही करना होता है, ठीक है, अगर कुछ ना मेंशन हुआ हो तो, जब इसको अल्टीमेटली राइट ऑफ ही करना था तो आप इंटायरली गुडविल की डबल एंट्री को फोरगो कर सकते हो, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उसका। मैं इंशाल्लाह ये कल बात क्लियर हो जाएगी, मैं आपको एग्जांपल करा दूंगी जिसमें यह है कि अगर तो ये प्राइवेट ट्रांजेक्शन ना होती है, अगर फर्म की बुक्स के थ्रू भी अगर हम इनकी डबल एंट्रीज को पास करते हैं तो मैं आपको बता ये रही हूँ, आंसर आपका फिर भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में आपको क्या होता है, सॉरी अपना रिजर्व वगैरह का हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट हो गया, करंट अकाउंट हो गया। तो इस सिनेरियो में आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम सीधा आ जाएंगे स्टेप नंबर 5 पे, और स्टेप नंबर 5 में अब हमारे पास एडिशनल क्या डबल एंट्रीज पास करनी है, एडिशनल हमें डबल एंट्रीज क्या पास करनी है, जो मिस्टर ए ने 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है, डबल एंट्रीज की क्या बनेगी, कैश डेबिट 10,000, कैपिटल अकाउंट ए 10,000। सिंपल सा है, राइट, कि उसने क्या किया, उसको जो 40,000 रुपए मिले थे उसमें से उसने 10,000 उठाए और उसने फर्म में डाल दिए एज एन एडिशनल कैपिटल। और क्या हो रहा है, मिस्टर डी जो है वो 25,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं और वो फर्म में लेकर आ रहे हैं, वो किसी को प्राइवेटली पे नहीं कर रहे, तो कैश डेबिट 25,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट सी का, सॉरी डी का जो नया पार्टनर है 25,000।
इसके अलावा आपके पास कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, 1 जनवरी 1997 की। फिर बात क्या आती है, अब आपने देखिए क्या बनाना है, आपने बनाना है कैपिटल अकाउंट साल के आखिर का। एडिशन एडमिशन कब हो रहा है, साल के शुरू पहले दिन, जनवरी 1, 1997। तो पहले दिन एडमिशन से लेके जब तक आपको कैपिटल अकाउंट चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए, उस पूरे पीरियड के बीच में 12 महीने, और उन 12 महीनों में प्रॉफिट भी कमाया गया है ना। तो सिंपल, ये तो आपकी बेसिक अकाउंटिंग हो गई। तो अब आपने क्या करना है, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स के, तो वो कुछ इस तरह से होंगे। हेडिंग में नहीं दे रही, जल्दी में मैं कर रही हूँ, ठीक है, ए बी सी डी। आपके पास ब्रॉड डाउन आ जाएंगे, ये जो आपको पहले की लीव दी हुई है 60 40 20। फिर आपने डबल एंट्रीज पास करनी है, किसकी, एडमिशन के टाइम पे जो आपने सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज निकाली हैं, स्टेप नंबर 1 2 3। स्टेप नंबर 1 में तो ये था, गुडविल आपने फोगो कर दिया। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, 9000 6000 और 3000 से कैपिटल अकाउंट को करना है डेबिट, क्योंकि ये क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस है। 9000, क्लियर है ना ये बात, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मैं अगर बहुत फास्ट जा रही हूं तो मुझे बता दे। स्टेप नंबर 4 पे कुछ भी नहीं था। स्टेप नंबर 5 में हमने जो डबल एंट्रीज पास की हैं वो दो की हैं, कैश हमने डेबिट करके कैपिटल अकाउंट और डी का और ए का क्रेडिट करना है 10000 और 25000 से। तो हम इसको एक ही लाइन में इस तरह से शो कर सकते हैं, ए का क्रेडिट होगा 10000 से और डी का क्रेडिट होगा 25000 से। कैश ही है दोनों के केस में, तो मैंने एक ही लाइन में दोनों को दिखा दिया। इतनी बात क्लियर है। यहां तक आते आते हमारे एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो हमने पास कर दी, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, प्रॉफिट्स की और ड्रॉइंग्स की। तो आपको पता है प्रॉफिट है 1,20,000, इसको आपने अब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, 2/6, 2/6, 1/6 और 1/6 हो जाएगा। तो जब आप इस 1,20,000 को, कितना है, 1,20,000 को आप जब इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके पास आएगा 40,000, 40,000, 20,000 और 20,000। फिर आपके पास क्या चीज है, एक आपके पास ड्रॉइंग्स हैं, 30,000, 30,000, 15,000, 15,000। इसकी डबल एंट्री क्या, कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आप कैश लिख देंगे 30,000, 30,000, 15,000, 15,000। तो ये करने के बाद आपके पूरे साल का जो कैपिटल अकाउंट है वो आपका हो जाएगा कंप्लीट, कैरेट डाउन आपकी बैलेंसिंग फिगर होंगे, ठीक है। तो कैरेट डाउन आपके बैलेंसिंग फिगर आ गए, आप इसको ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको याद रखिएगा ये कैश की फिगर भी आपने एडजस्ट करनी है, कैश की जो डबल एंट्रीज हैं ड्रॉइंग की और जो एडिशनल कैपिटल आया उसकी आपने उसी तरह से एडजस्ट करनी है, जिसका मैंने अभी आपको M16 में और M15 में करते हुए बताया, ठीक है। और आपने क्या करना है, नया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है पूरे साल के बाद। तो ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू इतफाक से पूरे साल के बाद भी उतनी रहेगी, प्लांट की कितनी हो जाएगी, 29,000, क्योंकि वो साल के शुरू में रीवैल्यू हो गया था। इग्नोर कर रहे हैं कि डिप्रिसिएशन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, सिंपल सा उन्होंने रखा हुआ है, डिप्रिसिएशन को फुल इग्नोर कर दें, बिल्कुल सही बात है, साल गुजरा है तो डिप्रिसिएशन भी होनी चाहिए, राइट। इन्वेस्टमेंट 30,000 से आप कितने पे डाल देंगे, 18,000 पे, स्टॉक 50,000, ट्रेड डेटर्स भी 60,000, कैश एट बैंक 40,000, 40,000, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स भी आपके चेंज हो गए, और बस आपने क्या कर दिया, कैपिटल अकाउंट की जगह आपने नई वाली चीजें डाल देनी, नए वाले फिगर्स कर देने, ठीक है। चलें ठीक है नसीर, यू कैन लीव, खत्म हो गया, ठीक है। तो M9 आप कर लें इसका, और M16 के फिर मैं आपको बैलेंस शीट की जो फुटिंग है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी कल इंशाल्लाह। हम एक बस ये M9 का ही एक कंटिन्यूड एग्जाम्पल हम करेंगे। चलें अल्लाह हाफिज़ नसीर।
और फिर इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट कर देंगे अपना रिटायरमेंट. बहुत आसान है रिटायरमेंट भी, वेरी इजी. मंडे को इंशाल्लाह हम कॉम्प्लेक्स थोड़ी स्टार्ट कर देंगे. रिटायरमेंट विद एडमिशन करने का इरादा है मंडे को. फिर मोस्ट प्रॉब्ली अगला हफ्ता पूरा हमारा जा सकता है आपके अमलगमेशन डिसोल्यूशन के अंदर, मर्जर अमलगमेशन और डिसोल्यूशन, क्योंकि ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमको रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ करना होता है. तो बड़े तसल्ली से तहमुल के साथ हम करेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह. ठीक है जी, चलें. अगर कोई सवाल नहीं है, अगर सवाल है तो पूछ रहे हैं, नहीं है तो फिर का इजाजत दें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह. जी कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज. Thank you.